खुद तड़ीपार आदमी है, उसको संविधान और कानून की क्या समझ है? आए बहस करें शाहीन बाग की दादिया, जो ट्विटर पे कहे थे कि हम बहस करना चाहते हैं, और जब शाहीन बाग की दादिया जब बहस करने के लिए मार्च की तो उनकी हालत ख़राब हो गई और 56 इंच का सीना सुगड़ के 6 इंच का हो गया, वो क्या बहस करेगा? और ये काला कानून है, ये कैसे सीए की समझ नहीं? आए जामिया आए, अगर जामिया नहीं आ सकते तो हमें बोले, हम जाकर बहस करने के लिए तैयार है। ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल ये तो उठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताना चाहते हैं कि अब एक बार बैठ चुके हैं हम लोग, उठने वाले नहीं है। इस कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाता, सीए को जब तक रिवोक नहीं किया जाता, एनपीआर को जब तक डिनाउंस नहीं किया जाता है कि देश में एनपीआर कहीं नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। कन्हैया और उमर खालिद का जिस तरीके से केस वापस सेडिशन का हुआ है, ये केजरीवाल का दोहरा चरित्र को दिखाता है कि कैसे भाजपा और आरएसएस का एजेंट बनकर दिल्ली में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले थे, तो कुछ साठ गांठ हुई होगी, कुछ समझौता हुआ दोनों के बीच में, तभी इस तरह के फैसले हुए हैं। अब रही बात इसमें उमर और खालिद और कन्हैया कुमार की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये उन पर तय हो। जो कहते हैं संघ का एजेंडा पे चलने वाला योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ तो खुद एक मर्डरर रैपिस्ट रहा है, हिंदुत्व के नाम पर नफरत और दंगा के नाम पर वो सत्ता में आ चुका है, लेकिन उसका चरित्र पूरी तरीके से दंगाई का है, आप सब जानते हैं। कोर्ट के अलावा कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उसने कोर्ट के अपमान करते हुए उसने कोर्ट को बोला कि आप इस मामले में बोलो ही मत। कोर्ट के ऑर्डर को अपमान करते हुए, कोर्ट को अपमानित करते हुए उसने उस पोस्ट बैनर को नहीं हटाया, इस बात को साफ दिखाता है कि ये लोग कोर्ट पे, ये लोग संविधान पे भरोसा नहीं रखते, ये फांसीवादी लोग हैं। इस कानून के माध्यम से ये गलत मैसेज है कि मुसलमान को ही बर्बाद किया जाएगा या मुसलमान को ही टारगेट किया जाएगा, इस कानून के माध्यम से संविधान पे हमला कर रहे हैं। और 2024 में मैं इस बात को मान के चल रहा हूँ कि 2024 तक आते आते ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान को हटा के मनुस्मृति को लागू करेंगे, जिसमें दलितों का आरक्षण छीन लिया जाएगा, पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया जाएगा, आदिवासियों का अधिकार छीन लिया जाएगा, फिर दलितों को ये लोग अछूत बना देंगे और ब्राह्मणवादी और मनुवादी नीति लागू करेंगे। और हिंदुत्व की राजनीति करना चाह रहे हैं या आरएसएस के बी टीम बन के काम कर रहे हैं दिल्ली में, वो नहीं चलने वाला है। इस दंगों में भी उनका बहुत निगेटिव रोल रहा, 3 दिन दिल्ली जलता रहा, और मुख्यमंत्री होने के नाते भी वो एक लफ्ज़ नहीं बोले, ना ही किसी दंगे इलाकों का उन्होंने उस दौरान दौरा किया। दिल्ली की लड़ाई जो है यहाँ के छात्र और यूथ और महिलाएं ही लड़ रही हैं, आपको मालूम होगा पूरे दिल्ली में। हाँ, यहाँ के कोई विपक्ष है नहीं इस तरीके का, और यहाँ सड़कों पे छात्र हैं, महिलाएं हैं और सिविल सोसाइटी तमाम तरह के लोग हैं। मीरान साहब, आपसे सवाल है कि जो दिल्ली पुलिस की जामिया में एंट्रेंस थी, उसके बारे में हमारा आपसे सवाल है, जामिया प्रशासन का उसके बारे में क्या कहना है और यहाँ पे प्रदर्शनकारी? देखिए, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहते हैं कि जब से हम लोगों ने आंदोलन ये शुरू किया है, लगातार दिल्ली पुलिस अलग अलग माध्यम से हम लोगों पे प्रेशर बनाने का काम कर रही है। कई स्टूडेंट्स को बीच में उसने उठाया भी है, धमकाया भी है, डराया भी है, लगातार इस तरह की कोशिशें चल रही है। गृह मंत्रालय के इशारे पर ये सारी काम हरकतें दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे आज 88 डेज लगभग प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट होते हुए सीएनआरसी एनपीआर के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। कई बार बारिश हुआ, बारिश की वजह से यहाँ पे बैठे हुए लड़कों को, लड़कियों को, माँ बहनों को भिगना पड़ा, तो आज हम लोगों ने एक तिरपाल बिछाने की कोशिश किया ऊपर से कुछ बांस बम्बू लगा के, लेकिन उसी बीच दिल्ली पुलिस कोई लोकल इंटेलिजेंस से कहीं से खबर मिली और 10 के करीब पुलिस प्रशासन के लोग आ गए, ये कि हम उखाड़ देंगे, ये सड़क पे आप लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, तमाम तरह की धमकियां देने लगे। लेकिन हम लोग भी डटे रहे, महिलाएं जो आंदोलन से जुड़ी हुई वो आगे आकर उनसे बात की, फिर वो वापस गए। तो कहना चाहते हैं कि ये तो आंदोलन हम लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं, मतलब उनका वो दबाव बना रहे हैं कि आप इसको जारी ना रखें। ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल ये तो उठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताना चाहते हैं कि अब एक बार बैठ चुके हैं हम लोग, उठने वाले नहीं है। इस कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाता, सीए को जब तक रिवोक नहीं किया जाता, एनपीआर को जब तक डिनाउंस नहीं किया जाता है कि देश में एनपीआर कहीं नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। 1 अप्रैल को एनपीआर होने का ऐसा नोटिफिकेशन है, लेकिन हम लोग साफ साफ इस बात को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर सरकार तुरंत प्रभाव से एनपीआर को वापस नहीं लेती और सीए काला कानून को ख़त्म नहीं करती, तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ से सड़कों से निकल के देश के हाईवे पे हम लोग बैठेंगे और देश के पूरे हाईवे को ब्लॉक करेंगे। जैसे अभी बिहार में हुआ, नीतीश कुमार ने प्रस्ताव पास किया कि बिहार में जो एनपीआर होगा वो 10 साल पुराना होगा, एनआरसी का सवाल बिहार में नहीं होगा, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा। तो आप लोगों का कोई ऐसा नहीं कि जो दिल्ली सरकार पर ऐसा प्रेशर बनाया जाए ताकि वो इस तरीके की कोई बात कहें या करें? देखिए, लगातार बिहार में तेजस्वी यादव जी वहाँ आंदोलन चला रहे थे, 12 दिसंबर जब राज्यसभा में बिल पेश हो रहा था उसी दिन वो पटना में जाम उन्होंने धरना दे दिया था, और नीतीश सरकार पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से डर गई, और इस डर में उन्होंने एनपीआर, पुराने एनपीआर को कहा है पुराने को लागू करेंगे, नए को लागू नहीं करेंगे। रही बात दिल्ली को, तो केजरीवाल सरकार को हम लोगों ने साफ साफ चेतावनी दे दिया है कि अगर आप असेंबली में सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास नहीं करते और एनपीआर को रोकने की बात नहीं करते हैं,
तो जिस आंदोलन से आप सड़क के आंदोलन से आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, उसी सड़क पे एक बार फिर से पिछले 3 महीने से आंदोलन चला और यही सड़क का आंदोलन आपका घर भी पहुंचेगा, आपका घर का घेराव करेगा और आपको घर से बाहर निकालने का काम करेगा। तो केजरीवाल, हमारा अगला टारगेट केजरीवाल सरकार पे ये है कि उनका घेराव करेंगे और अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करते तो जगह जगह उनके दिल्ली के 70 असेंबली में जहाँ पे उनके जितना जहाँ भी 66 विधायक उन तमाम विधायकों 62 विधायक हैं उन तमाम विधायकों को भी हम लोग घेराव करेंगे। केजरीवाल जो हैं, मतलब सीए का प्रोटेस्ट जो इलेक्शन से पहले शुरू हो गया तो वो शुरुआत में तो इस पर काम होते, हालांकि एक आध बयान उनका हल्का फुल्का रहा, उसके बाद दिल्ली हिंसा हुई उस पर भी वो खामोश रहे और लगातार वो चुप्पी छाते हुए हैं अब सीए पे। देखिए दिल्ली हिंसा, देखिए केजरीवाल का कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, अब ये बात स्पष्ट रूप से जाहिर हो चुका है कि वो भगवा चड्डी पहने हुए हैं और जो हिंदुत्व कट्टर वोट है उनको खुश करने के लिए पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। उनको मालूम है कि मुसलमान तो भाजपा से डर के उन्हीं को वोट देगा, तो इस गलत फहमी से अब केजरीवाल बाहर निकले। ये आखिरी वक्त था जब मुसलमानों ने, अकलियत और दलित पिछड़ों लोगों ने उनको वोट दिया है, अब उनको वोट नहीं मिलने वाला है। ये जो हिंदुत्व की राजनीति करना चाह रहे हैं या आरएसएस के बी टीम बन के काम कर रहे हैं दिल्ली में, वो नहीं चलने वाला है। इस दंगों में भी उनका बहुत निगेटिव रोल रहा, 3 दिन दिल्ली जलता रहा और मुख्यमंत्री होने के नाते भी वो एक लफ्ज नहीं बोले, ना ही किसी दंगे इलाकों का उन्होंने उस दौरान दौरा किया। जब पूरी तरीके से दंगा वहाँ पूरी तरीके से आतंक आग लोगों के मौत हत्याएं के बाद दंगा ख़त्म हुआ, तब वो थोड़ा बहुत ट्विटर और बयानबाजी करना शुरू किया। आज भी दंगा पीड़ित को पूरा पर उनके माध्यम से रिलीफ नहीं पहुँच रहा, तो केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि आरएसएस के बी टीम बन के काम कर रहे हैं। एक सवाल मीरान है आपसे, ये है कि जैसे आपने अभी कहा नीतीश ने जो एनपीआर और एनआरसी के लिए जो बिल या रेजोल्यूशन पास किया विधानसभा में, उसके लिए आप तेजस्वी का आंदोलन या संघर्ष को वजह मानते हैं, तो क्या दिल्ली में कोई ऐसा आंदोलन केजरीवाल के या विपक्ष इतनी मजबूती से नहीं लड़ पा रहा है कि वो ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करे? दिल्ली का, दिल्ली की लड़ाई जो है यहाँ के छात्र और यूथ और महिलाएं ही लड़ रही हैं, आपको मालूम है दिल्ली में, हाँ यहाँ के कोई विपक्ष है नहीं इस तरीके का, और यहाँ सड़कों पर छात्र हैं, महिलाएँ हैं और सिविल सोसाइटी तमाम तरह के लोग हैं। और अभी केजरीवाल सरकार सत्ता मिला, हम लोग का भाजपा को हराने का मेन टारगेट था कि ये नफरत दंगा फैलाने वाली सरकार किसी भी कीमत पर न जीतने पाए, भाजपा को हम लोगों ने हराने में कामयाब रहे। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेट रहा कि भाजपा का सब्स्टिट्यूशन आरएसएस के बी टीम केजरीवाल को मिला है, तो केजरीवाल को भी अलग अलग जितने भी विधायक हैं उनका लेटर जा रहा है, केजरीवाल को साफ संदेश पहुंच चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है, यकीनन मैं मान के चलूँ कि 1 अप्रैल से पहले पहले उनके घर का घेराव का हम लोग कॉल देंगे। एक सवाल ये है कि जैसे केजरीवाल सत्ता में आए तो उन्होंने आते ही कन्हैया कुमार उमर खालिद वाली फाइल को सिग्नेचर करके उसको पास कर दिया, उन पर कार्रवाई होगी, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि वो इससे बीजेपी को मदद कर रहे हैं कि बिहार में कन्हैया मजबूत हो रहे हैं लगातार, ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए बिहार की राजनीति अलग है, नेताओं को बिहार की राजनीति में वहाँ सामाजिक न्याय की राजनीति है जिसके मसीहा लालू जी रहे हैं, तो भाजपा तो लालू यादव से डरती है और कोशिश करती है कि किस तरीके से लालू जी और तेजस्वी यादव को कमजोर किया जाए, उसके लिए अलग अलग चाल चलती है। अब देखिए यहाँ पे रही बात कन्हैया और उमर खालिद का, जिस तरीके से केस वापस सेडिशन का हुआ है, ये केजरीवाल का दोहरा चरित्र को दिखाता है कि कैसे भाजपा और आरएसएस का एजेंट बन के दिल्ली में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे, तो कुछ साठ गांठ हुई होगी, कुछ समझौता हुआ दोनों के बीच में, तभी इस तरह के फैसले हुए हैं। अब रही बात इसमें उमर और खालिद और कन्हैया कुमार की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये उन पर तय होता है। और जिस तरीके से हर मुद्दे को राष्ट्रद्रोह के नाम पे स्टूडेंट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है, यूएपीए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस तरह का कानून तो पूरी तरीके से वापस लिए जाना चाहिए। ये कानून स्टेट जो है अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया था हमारे उन महापुरुषों के खिलाफ जो इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज भी ये संघीय सरकार उन तमाम छात्र नेताओं युवाओं को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे जो सड़कों पे या अलग अलग माध्यम से सरकार के फासिवादी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। एक मतलब जो आपका सीए प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है सर, ये जो शुरू हुआ जामिया से ही लगभग शुरू हुआ सारा, क्योंकि जामिया में पुलिस की एंट्रेंस और उसके बाद यहाँ पे छात्रों के साथ बर्बरता, उसको लेकर सब कुछ शुरू हुआ। जो जिस भी शहर में है वो जामिया की तर्ज पे, शाहीनबाग की तर्ज पे। हाल ही में यूपी सरकार ने ऐसे जो प्रदर्शन करा था उनके होर्डिंग लगाई, हाईकोर्ट ने उन्हें रोक दिया, तो इस बारे में मेरा ये कहना है कि जो प्रदर्शनकारी हैं और उनको इस नाम पे भी उठाया जा रहा है, कई सारे अभी ओखला से किसी को उठा लिया कि प्रदर्शन को भड़का रहे थे, इसका मैं हम वजह जानना चाहते हैं, मतलब भड़काते कैसे? इस पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ नोटिफिकेशन में लिया है, संज्ञान में लिया है
कि सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है और विरोध प्रदर्शन से नए वाद संवाद का प्रतिक्रिया शुरू होता है, नए आइडियाज ओपिनियन क्रिएट होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस प्रोटेस्ट को तो वेलकम कर रहा है, लेकिन इस देश में संघी सरकार फासीवादी सरकार को लोगों की आवाज़ से बहुत डर लगता है। चाहे केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो या फिर यूपी में बैठा हुआ फासीवाद मोदी का एक जो संघ का एक जो कहते हैं संघ का एजेंडा पे चलने वाला योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ तो खुद एक मर्डरर रैपिस्ट रहा है, हिंदुत्व के नाम पे नफरत और दंगा के नाम पे वो सत्ता में आ चुका है, लेकिन उसका चरित्र पूरी तरीके से दंगाई का है, आप सब जानते हैं। कोर्ट के अलावा कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उसने कोर्ट के अपमान करते हुए कोर्ट को बोला कि आप इस मामले में बोलो ही मत। कोर्ट के ऑर्डर को अपमान करते हुए, कोर्ट को अपमानित करते हुए उसने उस पोस्ट बैनर को नहीं हटाया। इस बात को साफ दिखाता है कि ये लोग कोर्ट पे, ये लोग संविधान पे भरोसा नहीं रखते, ये फांसीवादी लोग हैं। इस कानून के माध्यम से ये गलत मैसेज है कि मुसलमान को ही बर्बाद किया जाएगा या मुसलमान को ही टारगेट किया जाएगा। इस कानून के माध्यम से संविधान पर हमला कर रहे हैं और 2024 में मैं इस बात को मान के चल रहा हूँ कि 2024 तक आते आते ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान को हटा के मनुस्मृति को लागू करेंगे, जिसमें दलितों का आरक्षण छीन लिया जाएगा, पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया जाएगा, आदिवासियों का अधिकार छीन लिया जाएगा, फिर दलितों को ये लोग अछूत बना देंगे और ब्राह्मणवादी और मनुवादी नीति लागू करेंगे। तो ये सड़क पर उतर के लड़ाई है जिसको पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान और जितने भी अक्लियत माइनॉरिटी के लोग हैं या अगड़ों में जो गरीब लोग हैं, प्रोग्रेसिव सेक्शन के लोग, उन तमाम लोगों को मिल के लड़ना होगा, तभी ये देश बचेगा, वरना ये इनके ये सबको एक के बाद एक कर टारगेट करते हुए बर्बाद करेंगे। मेरा ना बहुत जगह जाते हैं सीए के प्रोटेस्ट के लिए, जगह जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब कैसा माहौल है, लोग कैसी गैदरिंग है? लोग सड़क पे उतर चुके हैं। एक बात जयप्रकाश लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाता है। कुछ वक्त के लिए सड़कें खामोश हुई थी तो संसद आवारगी पे उतरा था, अब फिर जब वापस लोग सड़कों पे उतरे हैं तो संसद को अपनी आवारगी का एहसास हो रहा है। पूरा दुनिया आज एक तरफा इस काले कानून के विरोध में आवाज़ उठा रही है, जबकि मोदी जी घूम घूम के कहते थे कि हम अब दुनिया के साथ अच्छा संबंध बता रहे हैं, बना रहे हैं, वहीं आज दुनिया मोदी जी पे थू थू कर रही है और मोदी जी कह रहे हैं ये हमारे आंतरिक मुद्दे, ये आंतरिक मुद्दे नहीं है, ये पूरे देश दुनिया के मानवता का मुद्दा है कि किस तरीके से नस्लवादी भेदभावी कानून को बनाया जा रहा है। हर जगह की महिलाएँ सड़क पर उतर के, अभी तो सड़क पर उतर के सड़क के किनारे बैठ के आंदोलन कर रही हैं। मैं यकीन करता हूँ कि अगर ये सरकार अगर नीति को वापस नहीं लेती है, काला कानून को वापस नहीं लेती है, तो बहुत जल्द वो महिलाएं हाईवे तक पहुँचेंगी, शहर के कोने कोने में पहुँचेंगी, चौर चौराहों पे पहुँचेंगी और चक्का जाम करके पूरे देश को ब्लॉक और बंद करेंगी। एक आरोप है जो उनका अमित शाह का है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सीए समझ में नहीं आ रहा है, ये एक नागरिकता देने का कानून है ना कि लेने का। दूसरा उन्होंने कहा कि वो एक इंच पीछे नहीं हटेंगे चाहे कोई कितना ही फड़फड़ा ले, कूद ले, जो भी बारा। ये उनका अहंकार है। अमित शाह एक तड़ीपार व्यक्ति है जो दुर्भाग्यवश गांधी और अम्बेडकर और भगत सिंह अशफाकुल्ला खान के देश का गृह मंत्री बन बैठा है। शायद ये भी संविधान के ही वजह से मुमकिन हो पाया है, चलो उसको भी हम मानते हैं, क्योंकि संविधान वोट लोगों ने वोट दिया और उस वोट के माध्यम से बैठा, लेकिन वो तो खुद तड़ीपार आदमी है, उसको संविधान और कानून की क्या समझ है। आए बहस करें शाहीन बाग की दादिया जो ट्विटर पे कहे थे कि हम बहस करना चाहते हैं, और जब शाहीन बाग की दादिया जब बहस करने के लिए मार्च की तो उनकी हालत ख़राब हो गई और 56 इंच का सीना सुगड़ के 6 इंच का हो गया, वो क्या बहस करेगा। और ये काला कानून है, ये कैसे सीए की समझ नहीं आए, जामिया आए, अगर जामिया नहीं आ सकते तो हमें बोले, हम जाकर बहस करने के लिए तैयार हैं। ये पूरा तरह से देश विरोधी काला कानून है, संविधान विरोधी काला कानून है, और मजबूती के साथ सब लोग सड़क पर उतर के लड़ लें और लड़ेंगे। तो ये थे मीरान हैदर जो कि छात्र नेता हैं और आरजेडी के दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं।